सबसे पहले तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के बजाय एक प्रधान सेवक की भावना से और एक मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक की भावना से काम करने का काम किया। पहले दिन से ही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ समाज की सेवा भी की और अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का काम किया। इसीलिए शायद उन्होंने जब पार्लियामेंट में भी पहले दिन आए थे तब भी कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की होगी, वंचित की होगी, पिछड़े की होगी, गरीब के लिए होगी। तो इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए सुशासन सेवा और समर्पण की भावना के साथ जो ऐतिहासिक 20 वर्ष मोदी जी ने पूरे किए हैं उसके लिए उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं भी देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ शायद ही इन 20 वर्षों में एक दिन का उन्होंने अवकाश लिया हो और ना ही इन 20 वर्षों में एक दिन भी वो सेवा भावना से कहीं हटे हों। सत्ता में भी रहे मुख्यमंत्री के नाते भी प्रधानमंत्री के नाते भी और राष्ट्र के प्रति भी समर्पित रहे गरीबों की सेवा भी करते रहे। सर लेकिन इस 20 साल की यात्रा में प्रधानमंत्री जी पर न सिर्फ राजनीतिक प्रहार हुए बल्कि निजी तौर पर भी उन पर कई हमले किए गए, टीका टिप्पणी की गई और चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री के तौर पर जो 7 साल उनके पूरे हुए उसमें क्या कहना है सर इस बारे में क्योंकि विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है। देखिए कुल मिलाकर जब भी उनके ऊपर किसी ने झूठे आरोप लगाने चाहे कटाक्ष करना चाहा व्यक्तिगत आरोप लगाए उतने ही ताकतवर मोदी जी होते चले गए, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो और निखर कर बाहर आए हैं, उससे ज़्यादा उनको और काम करने की शक्ति मिली है और लोगों के सामने उनका स्वरूप और बड़ा हुआ है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब भी उनके ऊपर आरोप लगे झूठे आरोप लगे तब तब मोदी जी अपने कामकाज पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते चले गए और आज तक उनको कोई नहीं रोक पाया। जैसे उनकी गति बढ़ी उनके नेतृत्व में देश की गति भी लगातार बढ़ती गई, देश का मान सम्मान भी बढ़ता गया। सर आप मोदी सरकार में आप भी मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं तो अगर मैं बात करूं क्योंकि आपने हिमाचल के प्रभारी के तौर पर भी उनको देखा है 20 साल का उनका ये सफर, अगर बात करें तो क्या उपलब्धियां हम गिने सरकार की? देखिए जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी थे संगठन में काम भी करते थे उस समय भी, आज तो आप लोग देखते हैं कि किसी सफाई कर्मचारी के पांव धोते हैं लेकिन जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे विधायक भी नहीं थे उस समय भी ये करते थे। समाज के किस वर्ग को कितना महत्व देना है कैसे कितना उनका योगदान है ये उस समय के बहुत सारे उदाहरण हम सबके सामने हैं। आज आप लोग देखते हैं आने वाली दिवाली होगी मोदी जी किसी बॉर्डर पर अपनी सेना के जवानों के साथ होंगे और पिछले 7 वर्षों में आपने देखा प्रधानमंत्री के नाते वो दिवाली के दिन देश की सेना के जवानों के साथ हैं लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ तब भी मोदी जी हिमाचल के प्रभारी होने के नाते हिमाचल के मुख्यमंत्री वहाँ के स्पीकर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को लेकर बॉर्डर पर गए, सैनिकों से मिले, उनका मनोबल बढ़ाया, जो जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा था उनको फल देने भी गए, उनका कुशल मंगल पूछने भी गए और उनको शुभकामनाएं भी दी जल्द स्वास्थ्य का सुधार हो। तो ये सब बातें अगर देखने को मिलती हैं तो मोदी जी का वो व्यक्तित्व जो है जिसने उनके साथ समय निभाया उनको पता है कि इनकी प्रतिबद्धता भारत के विकास के लिए उत्थान के लिए कितनी ज़्यादा है। ये 24 घंटे देश के लिए जीते हैं, 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं और इनका समर्पण भाव ही है कि आज जन जन के प्रिय नेता मोदी जी बने तो हैं लेकिन शायद दुनिया में इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का दौर 20 वर्षों तक बिना ब्रेक के लिया है और लगातार सेवा के लिए समर्पित रहे और एक दिन की देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।